अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम बाहर की बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान निदा अमीन नाज़रीन, और मैं इस वक्त मौजूद हूं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब के ऑफिस में, जो साबिक अपोजिशन लीडर भी हैं, मेंबर्स इन असेंबली भी हैं, उसके अलावा एक बहुत ही सीनियर रहनुमा भी हैं। और नाज़रीन, आज के मौजू के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि अगर बात की जाए कराची की सियासत में सबसे बड़ी जमात NQM, जो गुज़िश्ता 4 सालों से सियासी उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद अब पार्लियामानी तौर पर कराची की शहर की सबसे बड़ी जमात नहीं रही, क्या वजूहात है, इस हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा नाज़रीन, हमने अभी देखा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को जब रुकनियत से हटाया गया तो उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें उन्होंने इस राबता कमेटी के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, और इस हवाले से भी हम बात करेंगे। उसके बाद ख्वाजा इजहारुल हसन साहब की तरफ से भी हमने देखा कि काफ़ी स्टेटमेंट्स देखने में आई मीडिया में, और इन तमाम तर तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले हमारे जो गेस्ट हैं उन्हें आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। सबसे पहले तो आपने टाइम दिया मुझे, हमारे चैनल को। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि MQM कि जब हम बात करें तो आपकी नजर में इस वक्त MQM कहां स्टैंड करती है? देखिए, यकीनन MQM एक बहरान से गुजर रही है और उसका मुकाबला बहुत सारे चैलेंजेस से है। MQM को सिर्फ इलेक्शन ने नहीं हराया, MQM को तो MQM के खिलाफ तो प्लानिंग या MQM को कट्टू साइज करने की प्लानिंग मेरा ख्याल है ये काफी अरसे से जा रही थी। अच्छा, तो आप भी ये कहते हैं कि MQM को हराया गया है, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी कहते हैं कि MQM को हराया गया है। आप हारे नहीं है, आपको हराया गया है। डिलिमिटेशन, सेंसेस, फिर एक को दो तीन और पार्टियां सर पे मुसल्लत करके, अच्छा, हमारी सियासी चाइना कटिंग, अच्छा, और इसके बाद मीडिया परसेप्शन, और फिर जो नाजायज गिरफ्तारियां, नाजायज मुकदमात, ये तो किसी भी पार्टी के साथ हो तो उसकी तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रक्चर का वीक होना नेचुरल है। अच्छा, तो PSP के बनने से कितना फर्क पड़ा ये बताएं, की वजह से भी स्ट्रक्चर वीक हुआ थोड़ा? लाजमी सी बात है कि जब किसी कौम के कुछ नुमाइंदे निकल कर अपनी ही कौम पे लान तान कर रहे हो और अपनी ही उस पार्टी पे लान तान कर रहे हो जिसने उनको शोहरत दी, इज्जत दी, दौलत दी, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यार इनका तो आपस में शिराजा बिखर रहा है। अच्छा सर, लेकिन तो नुमाइंदों का नाम PSP, I'm telling you frankly, हकीकी BSP ये सब क्या है, और PTI में कुछ लोग चले गए हैं, और फिर देखिए पीपल्स पार्टी के साथ भी ये हुआ था, एक बार नहीं 3 बार हुआ। अच्छा। पहली दफा में पीपल्स पार्टी बनाने वाले जो फॉरेन गर्ल्स थे वो सब अलग हुए, उन्होंने जाकर अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद में पार्लियामेंटेरियन की एक पार्टी बनी, इसी तरह PMLN से निकल के 5 PMLN बनी, पता नहीं कौन कौन सी है, PMLN जुने जो है, PMLQ है, सारी एक ही पार्टी के लोग थे। लेकिन नजरियाती पार्टियां अपनी जगह स्टैंड करती हैं, वो बिखरती नहीं है। MQM के ऊपर अगर इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल वक्त है तो MQM भी समझ जाएगी, क्योंकि MQM आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है, ये कोई पॉपुलरिज्म पे नहीं है, ये रियलिज्म पर है। ठीक है। अच्छा सर, मुश्किलात की भी हमने बात की, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने भी कुछ दिन पहले भी वो आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपने कारकुनों को भी बताया, लोगों को बताया, मीडिया को बताया कि जी पार्टी इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। उनसे तो हमने जान लिया, यकीनन मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा भी मेरा प्रोग्राम। आपसे जानना चाहूंगी सर, किस किस्म की मुश्किलात? देखिए, पार्टी में जाहिर सी बात है, मैंने जो आपको बताया जी, जो एक सियासी आजादी MQM की एज ए जमात सल्ब की गई, उसके सारे मैंने आपको एंगल्स बताए, तो इस हालत में यकीनन पार्टी में एक क्राइसिस आया। लेकिन पार्टी में नए लोग शामिल हो रहे हैं, अगर पार्टी में नया ब्लड ना हो, जिस समय अगर नया ब्लड बनना बंद हो जाए फिर तो आप कह सकते हैं कि इंसान का मरने का वक्त करीब आ गया। लेकिन जब जब आपके अंदर नया ब्लड बनता है, आपके अंदर डिफेंसिव, आप अपनी बीमारियों से लड़ते रहते हैं, तब तक इंसान हयात कहलाता है और हयात साबित होती है। सही। तो पार्टी में नए लोग आ रहे हैं, आप देखें डिफेंस में हमारे जो कैंडिडेट्स थे देवर द रॉक स्टार्स कैंडिडेट, नए लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन पुराना जो खून है वो 40 साल पुराने एक को तो रुकनियत से हटा दिया गया, चले वो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद कितने ऐसे लोग हैं जो अभी आपका ही कहना है कि वो PTI छोड़
आपकी जमात आपकी एमक्यूएम छोड़ के आगे पीटीआई में भी जा रहे हैं? बहुत सारे लोग वापस भी आ रहे हैं। अच्छा। देखिए हर इंसान स्टैंड नहीं कर सकता। क्या वजह बताते हैं? देखिए हर इंसान स्टैंड नहीं कर सकता। छापे गिरफ्तारियां मुश्किलात एफआईआरें गरीब लोग हैं कारकुनान बहुत डिप्रेसिंग मूड में थे और फिर जाहिर सी बात है जो मुखबरियां कर करके साथियों के खिलाफ एजेंसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में जो प्रोपेगेंडा किया गया हर शख्स को क्रिमिनल साबित किया गया हर सेक्टर इंचार्ज को क्रिमिनल हर यूनिट इंचार्ज को क्रिमिनल ये तो मैं समझता हूँ अब जाहिर एमक्यूएम खुद भी अदम तशद्दुद और अदम तसादम की पॉलिसी पे है हमारी पॉलिसीज बहुत चेंज हमने की हमने रिफॉर्म्स कर रहे हैं एमकेएम के अंदर तो साथी वापस भी आ रहे हैं बड़े बड़े पुराने पुराने जिम्मेदार वापस आ रहे हैं हकीकी से कोई 150-200 लोग आए हैं जमात इस्लामी से लोग वापस आए हैं पीटीआई से सैकड़ों की तादाद में लोग वापस आए हैं और पीएसपी से वापस आए हैं और हमारे आ रहे हैं लोग। अच्छा सर आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी कि अंदरूनी इख्तलाफात की जो वजूहात है पहले हमने देखा कि आमिर खान साहब आपकी पार्टी में आए हकीकी से ठीक है उसके बाद फिर बानी मुत्तहिदा पर पाबंदी आयद कर दी गई हमने देखा उसके बाद पार्टी की भागदौड़ कौन संभालेगा इस पर बेसिकली इख्तलाफात शुरू हो गए थे ठीक है तो इस पर मैं चाहूंगी कि जरा रोशनी डाली जाए कि आपका क्या कहना है। देखिए 22 अगस्त से पहले हम सब बानी एमकेएम की हुकुम के पाबंद थे आईनी तौर पर और उन्हीं के जरिए पार्टी के अहकाम चल रहे थे सही है। 22 के बाद जब ये एक सानहा हुआ तो हम सब ने मिलकर बशमूल फारूक सत्तार ने मिलकर ये तय किया था अच्छा। कि पार्टी में मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहेंगी और जमहूरी तर्ज अमल चलेगा और अच्छा। फैसले राबता कमेटी में बैठ के होने लगे अच्छा। ये तक तय हुआ कि कन्वीनियर भी चेंज होगा राबता अच्छा। कमेटी के अराकीन भी चेंज होंगे अच्छा। मुद्दत तय होगी कि कन्वीनियर भी चेंज होंगे राबता कमेटी के अराकीन चेंज होंगे और ये तक भी सोचा जा रहा है कि आईना आने वाले वक्त में जो राबता कमेटी में होगा वो एमएलए एमपी नहीं होगा अच्छा। ये भी सोचा जा रहा है ताकि नए लोगों को मौका मिले नई इसमें रिफॉर्म्स हैं तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि फारूक भाई या और दो उनके साथ जो रफ़का थे जो मुशीर थे तो मैं समझता हूँ मुशीरों ने ही उनको इस कुएं तक गड़े तक पहुंचाया अच्छा। तो उन्होंने मुशीरों के नाम नहीं है मुशीर तो बहुत सारे होते हैं ना वो किसी ने नेल्सन मंडेला से सर वैसे डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ जब मैंने इंटरव्यू किया तो उनका ये भी कहना था कि बहुत सारे अहम फैसलों में आपने उनको हिस्सा नहीं बनाया उनसे पूछा नहीं उनसे मशवरा नहीं किया कम से कम उनसे मशवरा किया जाना चाहिए था। देखिए पार्टी तो का आपको लगता है कि आप लोगों की तरफ से भी किसी किस्म की कोई पार्टी का ऑफिस है राबता कमेटी के हर मेंबर को पाबंद है वो अच्छा पार्टी में वो 6 घंटे 8 घंटे दे ओके पाबंद है वो रोज आए ऑफिस अच्छा और आपका ये कहना है कि नहीं दिए जा रहे कोई भाद्रबाद का ऑफिस जो है वो शादी हाल थोड़ी है कि जहाँ इनविटेशन देकर पार्टी के राबता कमेटी के अरकिन को कहेंगे कि आज वलीमे की तकरीबे तशरीफ ले आइए ये तो पार्टी का ऑफिस है रोज आना और मीटिंग्स के अंदर ही तो बात होती है तय क्या होता है जब तय ये होता है कि भाई अगर आप प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं आपने पीटीआई ज्वाइन करनी है आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन करनी है कहाँ तय होता है ये राबता कमेटी की टेबल पे तय होता है ये घर में फैसले नहीं हो सकते कि अगर मैं मीटिंग में ना जाऊं तो सारी राबता कमेटी मेरे घर आकर मुझसे मशवरा करे ये तो पार्टी की टेबल पे होगा वहां चाहे ख्वाजा अजहर मौजूद हो ना हो वहां चाहे आमिर भाई हो ना हो पार्टी का डेकोरम मौजूद है पार्टी की जो भी राबता कमेटी के लोग मौजूद है उस वक्त उस मीटिंग में फैसले हो जाएंगे एतराज का हक है एतराज किया जा सकता है लेकिन वो एतराज कैसे होगा टेलीविजन पर मीडिया पर इंटरव्यूज में वो पार्टी अच्छा। के अंदर आके एतराज अच्छा और जो ये वजह आई कि जी कमेटी के सामने पेश नहीं हुए और जवाब जमा नहीं कराया और इस वजह से उन्हें रुकनियत से हटा दिया गया आपकी स्टेटमेंट यही कहती है तो आपको लगता है कि ये वजह काफी थी एक सीनियर रहनुमा को उनकी रुकनियत से हटाने देखें एक बात पहले मैं आपको बता दूं ये बात बड़ी जहन नशीन कर ले हम कि हम सब जो है ना वो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से रहनुमा है सही है रहनुमा खुद मंजिल के लिए ना सबसे आगे होता है और रहनुमा को पता होता है कि उसने सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब और सबसे बड़ी मिसाल तो उसे बनना ठीक है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये पार्टी में एक तंजीमी तरीकेकार है क्या 5 फरवरी आपको याद नहीं पूरे शहर में 2 एमकेएम चल रही थी एक भाद्रबाद एक पीआईबी अच्छा। अब जब दोबारा शोकॉज दिया गया वो शोकॉज क्यों दिया गया इस्तीफे के बाद मीडिया पे मुसलसल इंटरव्यूज मुसलसल
तो पहली चीज तो पार्टी ने कहा कि किसी भी इल्जाम का जवाब नहीं दिया जाएगा मीडिया पर। अच्छा, उसके बावजूद किया गया। लेकिन आप देखें, कोई दो दर्जन इंटरव्यू आ चुके हैं पार्टी के खिलाफ, पार्टी के अंदर से ही बदकिस्मती से लोग जो भी थे। अब एक तो ये किया, कानूनी तरीकेकार है कि शोक हाउस दिया जाए। ठीक है, शोक हाउस दिया गया। फारूक भाई ने भी तो शोक हाउस दिए, वो भी कन्वीनियर थे, उन्होंने भी उस जमाने में शोक हाउस दिया। वजह नहीं पता जो वो ये कह रहे हैं कि जी वजूहात नहीं बताई गई और उसके बाद ये कौन सा तरीका था, वो आप बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आप कारकुनों को बुलाते, आप लोगों ने मीडिया के थ्रू उन तक बात पहुंचाई, तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि हमें तो मीडिया के थ्रू पता चला है जी, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ना कारकुनों को बुलाया गया, तो ये किस तरह का फैसला? बाकायदा कुरियर किया गया। अच्छा, तीन सफे का राबता कमेटी ने शोक हाउस दिया, उसमें वो तमाम शिकायत इल्जाम लिखे। अच्छा, और हर शख्स का फर्ज है कि उसके ऊपर इल्जाम लगे तो उसका जवाब दे। अच्छा, और फारूक भाई ने भी जब शोक हाउस दिए तो उन साथियों ने जमा कराए थे जवाब। अच्छा, तो फारूक भाई को भी जमा कराना चाहिए क्योंकि अब कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई है। ठीक है, तो भारत वो नहीं आया, फिर दूसरा शोक हाउस गया। मेन चीज ये हुई कि शोक हाउस के बाद दोबारा से पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू हो गई। ये है पार्टी के लिए प्रॉब्लम। अगर कोई पीपल्स पार्टी में रिजाइन करता है उनकी को, या पीएमएलएन से रिजाइन करता है, राबता कमेटी से रिजाइन करता है, एमकेएम की, ठीक है, उसका जमहूरी राइट है। लेकिन एमकेएम से बाहर जाकर एक और एमकेएम खड़ी करना, ये राइट नहीं है। ये वजह थी। अच्छा, वो कहते हैं कि जी वजूहात नहीं बताई गई, अब आप कुछ कह रहे हैं कि जी सारी वजूहात उनको बताई गई थी, तो एक कॉन्फ्लिक्ट है जो लोगों के दिमाग में भी डेवलप हुआ है कि जी ये जो सारा गेम चल रहा है ये चल क्या रहा है और ये हो क्यों रहा है? आपको क्या लगता है सर कि आपकी नजर में ये क्यों कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मैंने फिर कहा कि उनके ये जो भी मुशीर है, अच्छा, जो भी उन्हें मशवरा दे रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, और ये बात मैंने उनसे तन्हाई में भी कही है और मैं मीडिया पे भी इस बात का इकरार करता हूँ कि आप पार्टी के लॉयलिस्ट जो लोग हैं उनके दरमियान मशवरा लें, और पार्टी के जो लॉयलिस्ट हैं वो पार्टी के साथ हैं। जो पार्टी के लॉयलिस्ट नहीं है, जब आप उनसे मशवरा करेंगे तो आपको कभी भी एमकेएम की फेवर का मशवरा नहीं मिलेगा। सर, आपका इशारा कहीं कामरान किशोरी साहब की तरफ तो नहीं? मेरा नहीं ख्याल, ही इज नो बड़ी, वो पार्टी से पहले उनको एक्सपेल किया जा चुका है फारूक भाई के सामने। अच्छा, तो और बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मशवरे दिए होंगे, क्योंकि हम भी करीब रहे हैं उनके, हमें मालूम है कि अच्छे मशवरों से किसी मुल्क का सरबरा या पार्टी का सरबरा पार्टी को ऊंचाई पर ले जाता है और बुरे मशवरों से तबाह भी हो जाता है। ठीक है इजहारुल हसन साहब, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। फिर से टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, सी यू राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ख्वाजा इजहारुल हसन साहब के ऑफिस में और हम बात कर रहे थे कामरान तिसोरी साहब के बारे में ब्रेक पे जाने से पहले। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि गैर आइनी तरीके से कहते हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के हटाया गया है और वो पार्टी में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मुतालबा कर भी रहे थे और अभी भी उनका यही कहना है कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने चाहिए, तो आपका क्या कहना है सर इस हवाले से? पहली चीज तो बड़ी क्लियर है, गैर आइनी तो कहीं नहीं जा सकता। अच्छा, फारूक भाई को हाई कोर्ट ने हटाया। अच्छा नहीं, ये मैंने अपनी स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने ये कहा जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का कहना है कि वो कहते हैं कि उन्हें गैर आइनी तरीके से हटाया कोर्ट में भी इनकम पहले नहीं दी। अच्छा, और जाहिर है जब कोर्ट में गए इलेक्शन पहले गए कमीशन में, वहां से नेगेटिव डिसीजन आया, हाई कोर्ट गए, दो महीने पेंडिंग रहने के बाद वहां से डिसीजन नेगेटिव आया और खालिद मकबूल भाई की एज ए कन्वीनियर से एक्सेप्ट की गई। ये वो कोर्ट का फैसला था जिसमें फारूक भाई खुद गए। अच्छा, मैं इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हूँ। अच्छा, उसी पार्टी इलेक्शन में जो हमने 22 अगस्त के बाद करवाए थे और करवाने के बाद फारूक भाई को मुंतखब करवाया था और फारूक भाई के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ था। ऐसा नहीं है कि कोई और भी कन्वीनियर का नुमाइंदा था। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये तो पूरी पार्टी ने फैसला किया था उनको बनाने। अच्छा, अब अदालत से फैसला आ गया खालिद मकबूल भाई है तो पूरी पार्टी का मुश्तरका फैसला है, खालिद मकबूल भाई कन्वीनियर है। ठीक है, अगले इलेक्शन है 2020 में होंगे। ठीक है, खुद फारूक भाई के टेन्योर में इलेक्शन हुआ है। गलतियों से अदालत में गया मसला, बदगुमानियों में गया, कुछ भी। अच्छा, तो आपको लग रहा है ये जो सारा माजरा चल रहा है ये कन्वीनियरशिप के लिए भी हो सकता है? अपेरेंटली लग यही रहा है, देखिए। अच्छा, लग यही रहा है
पार्टी के अंदर इख्तलाफात को सबसे अच्छा किसी घर को साफ करने का तरीकेदार घर के अंदर दाखिल होके होता है। ठीक है, घर से बाहर खड़े होकर आप कहते रहे कचरा है कचरा है, घर साफ करो, झाड़ू लगाओ, सफाई करो, ये नहीं होता, आपको जाना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, घर के अंदर रहना होता है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ कंफ्यूजन है, मैं भी अच्छा। यही नहीं समझ सका। अच्छा सर, इस बात पे वापस आते हैं, अभी कामरान किशोरी साहब के हवाले से जो हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, सर ये बताइए सारा क्या मामला है जो इतनी कंफ्यूजन चल रही है? डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि वो हमारे पार्टी के मोहसिन हैं, आप लोग कहते हैं कि जी वो एक नजरियाती कारकुन नहीं है, और उनका उनका खुद का कामरान किशोरी साहब का ये कहना है कि जी जब एमक्यूएम एक मुश्किल दौर में थी तब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। नहीं, एमक्यूएम मुश्किल दौर में जब जब रही, एमक्यूएम को हजारों कारकुनों ने बचाया। अच्छा, कोई फर्द वाहिद इतना बड़ा चैंपियन नहीं है जो एमक्यूएम को बचा सके। ठीक है, कोई भी नहीं है, और एमक्यूएम को बचाने वाले एमक्यूएम के कारकुनान है, और जिन्होंने बचाया है, बचाने वालों के मेरे पास नाम भी है, जिन्होंने जेलें भुगती हैं, जिनके ऊपर 30-30 झूठे मुकदमात हैं, जिन्होंने सजाएं भुगती हैं 10-10 साल की, टॉर्चर सा है, वो है एमक्यूएम को बचाने वाले। सर उनके भी नाम नहीं लेंगे आप? नहीं, वो तो मेरे सारे साथी हैं ना, असीर हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि कामरान किशोरी साहब एक नजरियाती कारकुन नहीं है? नहीं, मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा, नजरियाती कारकुन बनने का तरीका कार होता है, कोई भी अपने आप को नजरियाती कारकुन कह ही नहीं सकता। अच्छा, मैं भी अपने आप को नजरियाती कारकुन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आज तक, और मैं अपने नजरियात के करीब रहता हूँ, नजरियात की हिफाजत करता हूँ, तो मुझे नजरियाती तस्लीम कर लिया करते हैं लोग, लेकिन ये तो मुसलसिला मिले, पार्टी की हिफाजत, पार्टी के मंशूर की हिफाजत, पार्टी के नजरिए की हिफाजत, पार्टी के आइन की हिफाजत, पार्टी के लोगों की हिफाजत। सही, ये नजरिया थोड़ी है कि मैं आज आपके टॉक शो में बैठकर यहाँ पे मैं पार्टी के अंदरूनी जो खराबियां हैं वो आपसे मशवरा करूँ और आपसे डिस्कस करूँ और पूरे पाकिस्तान के अंदर उसका प्रचार करूँ, ये ऐसे तो ना पीपल्स पार्टी में हुआ है, ना पीएमएलएन में हुआ। अच्छा, तो हम एमक्यूएम के अंदर एमक्यूएम के जो भी उसमें बेहतरी आ सकती है यकीनन हम कर रहे हैं। ठीक, और वही नजरियाती कारकुन है जो एमक्यूएम के नाम और निशान को संभाल सकता है, संभालेगा। सही है सर, अभी आप कह रहे थे कि आपको लग रहा है कि जी ये कन्वीनियरशिप के लिए भी हो सकता है, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का यह कहना है कि जी जब मैंने एहतसाब का नारा बुलंद किया और जब मैंने ये बात करना शुरू की कि जी सबका एहतसाब होना चाहिए पार्टी में, तब से उनके ऊपर ये साया जो है वो मंडला रहा था और उन्हें इस बात का यकीन था कि यही फैसला आएगा, तवक्को थी उन्हें पहले से, और ये जो है प्लान किया गया है सब कुछ, और जो वजूहात बताई गई हैं वो वजूहात नहीं है, और ये बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी कि उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा और वो यू एंड बिल्कुल बदनीयती और बदगुमानी पर मबनी गुफ्तगू हो गई है। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि बहुत एहतराम रहा है उनका, और कभी भी है। अच्छा, मैं तो जाहिर सी बात है अहम तरीन फैसलों में हमेशा शामिल रहा, आज भी शामिल हूँ, भाई से बात भी फारूक के साथ। अच्छा, कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी भी नहीं हुआ, और कभी भी पार्टी के अंदर एहतसाब की बात हुई। अच्छा, और अगर अब हो रही है सर तो इसमें क्या आप... बहुत अच्छी बात है, तरीकेकार क्या है, तरीकेकार क्या है, क्या अब हर पार्टी में एहतसाब का ये तरीकेकार होता है? सही, कि आप 15 लोग लेके बाहर से उस पार्टी को मलाइन करें जिस पार्टी ने लीडर बनाया, जिस पार्टी ने नाम इज्जत शोहरत दी, पार्टी के अंदर से होगा, बिल्कुल करना चाहिए, सबका होना चाहिए, लेकिन ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी विद इन पार्टी है। और अगर मुल्कीर सतह पे अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो एंटी करप्शन मौजूद है, मैप कर रही है, FIA, FBR सब लगे हुए पीछे। तो अगर आपको मजीद ट्रांसपेरेंसी लानी है तो इसके लिए कोई इंडिपेंडेंट कोई बोर्ड बनाते हैं। अच्छा, अंदर कोई हम अपना तरीकेकार रखते हैं। अच्छा, और जो ये कहा जा रहा है कि जी वसीम अख्तर साहब से फंड का हिसाब मांगा जाता रहा और 3-4 महीने तक उन्होंने हिसाब नहीं दिया, उसके बाद एहतसाब की बातें शुरू हो गई, इस बात पे कितनी सदाकत है? देखिए, 5 मई को याफ्ताबाद में जब तकरीर हुई तो फारूक ने खुद कहा ना वसीम अख्तर का हिसाब मैं लूंगा, जिसको लेना है मुझसे ले लें। जी सुनी थी तकरीर, वो भी मैंने, ये स्टेटमेंट ठीक था, पहले वाले ठीक थे, लेकिन बात ये है वसीम भाई यकीनन एक मेयर इदारों में लीकेजेस हैं, मैल प्रैक्टिसिंग है, कौन मना कर रहा, और वसीम भाई भी हो सकता है बहुत सी कोशिशें कर रहे हो, लेकिन करप्शन हमारे इदारों में मंसूर की तरह सराहियत कर देंगे, आपको भी अगर मेयर कराची बना दिया जाए और आप करप्शन को अगर
एलिमिनेट करने निकले तो आपको अंदाजा होगा कि आपको कितनी दुश्मनियां मुश्किलात का सामना। सही। तो हमें तो वसीम भाई को मजबूत करना चाहिए, बजाय कि हम वसीम भाई को ही निशाना बना दें, उस करप्ट निजाम से निजात दिलाने के लिए उन्हें मजबूत करना है। ठीक है। अच्छा, आपकी स्टेटमेंट पर आऊंगी ख्वाजा इजहारुल हसन साहब के, आपने बोला कि पहली दफा तो खैर सभी जानते हैं कि ये पहला फैसला नहीं है कि उन्हें रुकनियत से हटा दिया गया, और ये पहले भी काफी दफा हुआ है, लिहाजा इस्लाह करने पर वापसी के दरवाजे खुले हैं। तो सर उस इस्लाह के बारे में जानना चाह रही हूँ, किस किस्म की इस्लाहात की तवक्को कर रहे हैं आप या क्या चाह रहे हैं आप, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे। देखिए, कोई भी कारकुन पार्टी के आईन, पार्टी के कवायद और जवाबित का पाबंद होता है। ठीक है। अगर कोई दूसरी जमात से भी हमारे यहाँ आता है, क्या आईनी लोग हमारे यहाँ नाजिम है? हमारे यहाँ MLAs, MPs नहीं बने? दूसरी कौमियतों के, दूसरी पार्टियों के लोग आकर उन्होंने हमारे यहाँ नशिस्तें ली? सही। लेकिन पार्टी के तरीकेकार पे चलते हैं। अगर पार्टी की फर्शी नशिस्त है तो सबको जमीन पे बैठना है। सही। अगर पार्टी का डिसिप्लिन ये कहता है कि आपने तकरीर करनी है तो करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है, स्टेज पे बैठना है तो बैठना है, नहीं बैठना है जमीन पे बैठना है। तो पार्टी के अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी उस कोड ऑफ कंडक्ट को पार्टी के आईन को तस्लीम करेगा, पार्टी के नाम निशान और पार्टी की आइडियोलॉजी का महाफिज बनकर आएगा, पार्टी उसके रास्ते खुले चाहे वो कोई भी। अच्छा, तो ये बात यहाँ पे क्लियर है कि आप लोग की तरफ से तो किसी किस्म की कोई पहल नहीं की जाएगी। किस हवाले से? यही कि वापसी में सारी चीजें एक हो जाए, फिर सब कुछ एक हो जाए। बहुत दफा पहल नहीं हुई है, पहल के बाद भी पता नहीं कितनी पहले हो गई। अच्छा, वो सब मुजाकरात, वो सब बातें, उसमें मैं भी बहुत अहम मुजाकरात में हिस्सा रहा हूँ, वो सब हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि एक क्लैरिटी हो जानी चाहिए। लोग भी देखे ना क्या हुआ इलेक्शन में, लोग भी कंफ्यूज रहे, लोग आज तक पूछ रहे कि भाई आप लोग एक हो गए नहीं हो गए। तो सर आने वाला जो वक्त है वो तो बल्दियाती इंतखाबात का है, तो फिर आपको नहीं लगता कि अगर सूरत हाल यही रही तो फिर तो मेरे ख्याल से कामरान टेसोरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा वो बात आपको सही नहीं लगती कि फिर तो अल्लाह ही हाफिज है? जितना मर्जी हारे कोई मसला नहीं। अच्छा, मसला क्या? एमक्यूएम को कायम रखने में लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करेंगे, लोगों के दिलों से नहीं हारने चाहेंगे। इलेक्शन हरवाने और इलेक्शन हारने ये तो मामूली बात है, ऐसे माजी में एमक्यूएम कई इलेक्शनों से बाहर रही, पांच पांच साल लोकल गवर्नमेंट से बाहर रही है। 2001 में आपने देखा ना, बायकॉट किया था तो कैंपेन खत्म हो गई। मेयर जमाते इस्लामी के थे, लेकिन 2005 में फिर हमने अपना मेयर ला। हम तंजीम को, ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करने में हमारी तरजीहत है। जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन बेहतर हुई, इलेक्शन तो बच्चों का खेल है हमारे लिए। अच्छा सर, ये बताइए कि ये भी कहा गया कि जी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की राबता कमेटी से राबता करेंगे, और अगर माफी भी मांगनी पड़ी तो वो भी मांग लेंगे अपने कारकुनों से, अपने वर्कर्स से। तो वो तो वापस एक होने की बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो आप लोगों की तरफ से किसी किस्म का कोई कदम, बात करना और अमल करना, इसमें फर्क। अच्छा, तो आपको लगता है ये सिर्फ हवाई फायर हो रहा है मीडिया के आगे? माफी का तरीकेकार भी पार्टी के अंदर तय है। अच्छा, मैंने भी कई बार माफी मांगी, 2-3 बार शायद मैंने भी माजरनामे लिखे हैं पार्टी में। अच्छा। मैंने अगर कोई गलत काम किया है तो मेरा फर्ज था, मैंने लिख के दिया पार्टी को कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है, मैं इनके दोबारा गलती नहीं करूँ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन क्या मैं इसकी तशहीर करूँ पहले? सही, ठीक है सर, ये तो बात हक अगर मुझे भी है, अगर ये हक बाकी को है तो फिर ये हक तो इनके हर जिम्मेदार को होना चाहिए कि वो फौरन बाहर जाए, 4 चैनल जमा करे और धुआं धार किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जो दिल में आए वो बोले, और उसके बाद क्या है कि ठीक है जी, मैं तो बड़ा मुखलिस हूं नजर आती का आदमी। ठीक है सर, ये तो बात हो गई कामरान टेसोरी साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी। एक और ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन इस हवाले से, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ख्वाजा इजहारुल हसन साहब के ऑफिस में, और ब्रेक पे जाने से पहले हम काफी बात कर रहे थे कामरान टेसोरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बात की, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की रुकनियत को जो खत्म कर दिया गया, उसके बाद उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई उस हवाले से हम बात कर रहे थे। आगे सर आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों के खिलाफ मीडिया ट्रायल होता जा रहा है, होता रहा भी है और अभी भी हो रहा है। आपने भी देखा है कि बहरहाल एक फाइनेंशियल
इंटरेस्ट हर इदारे का है, मीडिया भी एक इंडस्ट्री है और जाहिर है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस पे चलती है, ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ये मुल्क के मफाद में, मुल्क के लिए या सियासी जमातों के लिए, सियासी जमातों के खिलाफ खबरें भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलाते हैं। हमारी वजह से और क्या क्या नुकसान आते हैं? नहीं, आपकी वजह से नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आपकी वजह से, हाँ कुछ माइंडसेट मैंने आपसे कहा। और फिर जाहिर सी बात है, आप ये देखें ना कि एमकेएम को यकीनन एहतसाब और तनकीद का निशाना हर जमात को बनना चाहिए, लेकिन एहतसाब और तनकीद हकायक पे मबनी हो, सुनी सुनाई बुनियाद पर हमारा परसेप्शन बना दिया गया, तो हमें ये शिकवा तो मीडिया से है। अच्छा, आप समझते हैं कि मीडिया सिलेक्टेड परसेप्शन मेकिंग पे यकीन रखता है? सिलेक्टेड परसेप्शन मेकिंग नहीं, हमारी परसेप्शन की जो किताब सबने मिलकर लिखी है, अच्छा, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ठीक है सर, इलेक्शन के हवाले से फिर से आपसे कुछ चीजें हैं जो मैं जानना चाहती हूँ। अभी जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो हम इसी हवाले से बात कर रहे थे कि जी 25 जुलाई से पहले हालात कुछ ऐसे बने कि जो एमकेएम कराची से 15-16 सीटें लेके जाती थी वो इस बार 4 सीटें ही लेके जा सकी है। तो सर, जो पढ़ा लिखा वोट बैंक है वो भी पीटीआई की तरफ चला गया, आप लोग कहते हैं कि जी धांधली हुई है, फेयर इलेक्शन नहीं हुए। सर, जो वोट बैंक है वो भी आप देखेंगे वो पीएसपी की तरफ नहीं गया, उनको भी एक भी सीट नहीं मिली, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस हवाले से? देखिए, मैं ये बात तो बड़ा कराची के लोगों का शुक्रगुजार हूँ, हैदराबाद के, कि उन्होंने एमकेएम मुखालफत में हो सकता वोट क्यों, अच्छा, एमकेएम दुश्मनों को मुस्तरद किया। अच्छा, अब हुआ ये है कि कोई बहुत बड़ा इनकलाब बरपा नहीं हो गया कराची में। अच्छा, हाँ, ये अगर हम पीटीआई ने कोई 14 सीटें ले ली हैं तो कितने वोट लिए, 12 लाख 12 लाख। भाई हम इस शहर से 60 लाख में से 30-30 लाख वोट हम लेते रहे, तो चले अगर हमें रिजेक्ट ही करना था तो वोट तो ले लेते ही, 12 लाख और 12.5 लाख। इसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है ना कि आपके बानी ने बायकॉट कर दिया था इलेक्शन से। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वोट नहीं बढ़े, कोई इनकलाब बरपा नहीं हुआ है कोई कराची में, कोई, मेरा मकसद ये है, चाहे उसकी वजह कोई भी हो। अच्छा, हमें कितने पड़े थे? 7 लाख वोट। 2002 में हमें कितने पड़े थे? 7.5 लाख वोट। हम उस वक्त हुकूमत में थे, मुशर्रफ साहब के साथ। तो सर, आपको नहीं लगता कि सिविल सोसाइटी जो किसी वक्त में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर में निकली थी वोट के लिए, वही सिविल सोसाइटी हमने अभी इससे पहले जो इलेक्शंस हुए 2013 में तब देखी कि वो खासतौर से पीटीआई के लिए निकले, उन्होंने वोट किया, और इस बार भी 2018 के इलेक्शन में भी सिविल सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली तो हमें नजर आई। कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स तो बात करें ना। अच्छा, 2013 में कितने? 8 लाख। 2018 में कितने? 12 लाख। भाई 65 लाख वोटर रजिस्टर्ड है ना। ये सिविल सोसाइटी ये सिर्फ 12 लाख की तर्जुमान तो नहीं है ना, सिविल सोसाइटी तो 65 लाख की तर्जुमान है। ठीक है सर, अभी हम पीटीआई की बात कर रहे हैं तो एक और मुझे कामरान टेसोरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनकी एक लाइन याद आ गई कि जी 8 महीने सर्वाइव कर सकेगी, इनके खिलाफ भी कोई सियासत वगैरह शुरू हो गई है, तो आपका क्या कहना है सर? जनरली आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है पीटीआई अपने 5 साल पूरे मैं इनके स्टेटमेंट पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, मैं ऐसे मैं स्टेटमेंट पे नहीं, जनरली आपका परसेप्शन जानना चाहूंगी। मेरे पास ऐसा कोई इल्म नहीं है और अच्छा, मैं इस किस्म के बयान के ऊपर अपना, मैं तो रियलिस्टिक गुफ्तगू। अच्छा अच्छा, और जो ये कहा जा रहा है कि जी एमकेएम 4 सीटें कैसे जीती और पीएसपी को एक भी सीट क्यों नहीं मिली, इस रास्ते भी पर्दा उठाया जा सकता है? जिसको उठाना उठाएगा, हमें तो पता है। अच्छा, आपको नहीं मालूम इस राज के बारे में? हमें अपने मसाइल तो बताएं। अच्छा, हमें अपने मसाइल बताएंगे हम सर, वही मसाइल बता दें। वो सारे मसाइल बताए थे शुरू में मैंने आपको, सारी एक डिलिमिटेशन से लेकर सेंसस से लेकर इस शहर में अमन अमान के नाम पर सारा मामला, ये सब मिलकर हुआ है। देखिये ना, प्रेशर पीएमएलएन पे भी आया ना। सही, बिल्कुल, ये रेजिस्टेंस सिर्फ एमकेएम ही दे सकती है, ये इशारा काफी है आपके लिए। ठीक है, अच्छा सर ये बताएं कि कराची में जो इंक्रोचमेंट किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर किया जा रहा है, क्या इसका क्रेडिट आप पीपल्स पार्टी को देते हैं या फिर आप मेयर कराची को? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट को जाता है इसका क्रेडिट, क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाता है, मेयर कराची तो सिर्फ मदद कर रहे हैं, सिंध हुकूमत, रेंजर्स, पुलिस, सारे इदारे तो मदद कर रहे हैं, हुक्म सुप्रीम कोर्ट का है।
अमल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हो रहा है तो क्रेडिट भी सुप्रीम कोर्ट को ही जाता है। ठीक है। इसी तरीके से पानी का मसला भी कोर्ट में है, शहर में पानी के लिए अच्छे इकदाम होते हैं तो वो भी क्रेडिट जाता है। हाँ ये जरूर है, हमने हर उस बुनियादी इशू पे बहस किए थे, कराची हाइट बहस थे, इनके आवाज हर दौर में हर वक्त में बुलंद की है जिसे हुकूमतों ने नजरअंदाज किया है। अब आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल रहा है तो सब एफिशिएंट में हाजिर जनाब करके लाइन में लगे, एक दूसरे से आगे भाग रहे हैं। जी अच्छा सर, मैं और एक और वीडियो देख रही थी आप ही की, क्योंकि मैं दूसरों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से बात की है अभी मैंने, तो आपके जब मैंने सिंध असेंबली की वो क्लिप देखी तो क्राइम के हवाले से आपने बात की हुई है, जो आजकल हमने देखा है कि बहुत ज्यादा देखने में भी आ रहा है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 70% अगर हम बात करें तो केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, उसके बावजूद जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उनकी तादाद इतनी ज्यादा है। इस हवाले से मैंने प्रोग्राम किया है कुछ एसएसपी के साथ वगैरह, उसमें सीपीएलसी की रिपोर्ट भी देखी मैंने, जिसमें ये दिखाया, क्योंकि सीपीएलसी की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती, वो न्यूट्रली होती है, तो उसमें ये दिखाया गया है कि जी क्राइम जो है वो बजाय बढ़ने के कम हुआ है, उसमें टू व्हील थेफ्ट, फोर व्हील थेफ्ट के वाकियात, स्नैचिंग के वाकियात, उसमें मोबाइल स्नैचिंग और ये सारी चीजें भी हैं। देखें स्ट्रीट क्राइम किसी भी मुल्क की इमेज को खराब करने के लिए काफी है। अच्छा, आप जितने भी आप भी मुख्तलिफ ममालिक में जाएं, हम भी किसी नए कंट्री में जाते हैं तो हम गूगल करके उसका क्राइम रेट चेक करते हैं कि जी रात को आप घूम सकते हैं नहीं घूम सकते। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में आप रात को नहीं जा सकते, वहाँ दिन में भी रहना मुश्किल है। स्ट्रीट क्राइम भी लें कि क्राइम कम हुआ है तो भी अभी भी वो बात नहीं है ना कि हम वही रात के 1 बजे 23,000 अगर मोटरसाइकिल छीनी गई है पूरे साल में और रिकवर उसमें से 400 हुई है तो ये कोई परफॉर्मेंस तो ना होगी। अच्छा, इसी तरीके से 247 मर्डर्स हुए, अभी साल खत्म नहीं हुआ। आप कहें कि 2008 में तो 1,000 हुए थे, एक भी नहीं होना चाहिए। जब आप हिकमत अमली बनाते हैं तो आप क्राइम खत्म करने की बनाते हैं, क्राइम कम करने की नहीं बनाते कि नहीं जी पहले तो 100 अफराद हल्क होते थे, अब 12 होने और 12 पे आप खुश होने, 12 घर फिर भी उजड़ना है। तो आपने जो इकदाम किए यकीनन उस पर की कमजोरी सही है। तो जिम्मेदार आप किसको समझते हैं और ये चीजें आप कैसे क्या समझते हैं कि किस तरह से इन चीजों को बेहतर किया जा सकता है? देखें मैंने आपसे कहा ना ये गवर्नमेंट डिसीशन है, ठीक है, और पॉलिसीज में अगेंस्ट क्राइम कोई लचक नहीं होती है। तो हुकूमत जिम्मेदार है, प्रोविंशियल हुकूमत जिम्मेदार है, फेडरल गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी जिम्मेदार है, होम मिनिस्ट्री भी जिम्मेदार है, और यकीनन जब बात आती है डिपार्टमेंट्स की तो चीफ मिनिस्टर सबसे बड़ा जिम्मेदार है क्योंकि कैप्टन वही होता है सूबे का। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि उनको लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से क्लियर पॉलिसी और पाकिस्तान की पॉलिसी। आपने ये भी कहा कि जितने भी ये पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं इनको एक हो जाना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं पे कोई वारदात हो रही है तो ये कैसे पता चलेगा कि जब ये लोग आपस में बात ही नहीं करेंगे, जब मिंगल अप ही नहीं होंगे तो किस तरह से इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और किस तरह से मजीद आसानियां पैदा होंगी कि इन चीजों को खत्म किया जा सके? तो आपको लगता है सर ये मुमकिन है? देखिए ये बड़ी मैंने प्रैक्टिकल बात की है। अच्छा। मैंने इंटरनेशनली जो कुछ होता है ये मैंने वो मैंने कोई अपने पास से नहीं निकाली, मैंने पढ़ा है, मैंने रिसर्च की और आप भी कीजिए। स्ट्रीट क्राइम में जो लोग होते हैं वही जाते हैं किडनैपिंग फॉर रैंसम, मोस्टली स्ट्रीट क्राइम में मर्डर्स या फायरिंग कर चुके होते हैं, उनका जो क्राइम करेज है वो बढ़ चुका होता है, वही फिर एक्सटॉर्शन पे जाते हैं, फिर वो गैंग अप होते हैं बड़े माफियाज के साथ, स्टार्ट स्ट्रीट क्राइम है। तो पुलिस ने अगर मिसाल के तौर पर किसी एक लड़के को मोबाइल छीनते हुए पकड़ा है, बाद में वो लड़का किसी गैंग का पार्ट बन जाता है, ये लोकल पुलिस ने पकड़ा है, वो एंटी टेररिस्ट हमारा जो स्क्वाड है उन्होंने पकड़ा है, उनको पता ही नहीं है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। सर ज्यादातर जिन स्ट्रीट क्रिमिनल्स को हमने इंटरव्यू किया है या जितने एसएसपी वगैरह को हमने इंटरव्यू किया है, उनका ये कहना है कि जी दीज पीपल आर बेसिकली ड्रग एडिक्ट, वो अपनी एक पुड़िया अफोर्ड करने के लिए वो 10 पुड़िया बेचते हैं, वो स्ट्रीट क्राइम में मुलविस होते हैं, इस किस्म की वारदात में मुलविस होते हैं ताकि उनका जो ये नशा है वो पूरा हो सके। तो आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क में इदारों की भी तो कमी है इस किस्म के, जहाँ पे इनकी काउंसलिंग हो सके? अब अगर वो बीमार है या इतनी उनको नशे की लत लगी हुई है तो अगर वो जेल में तो वहाँ पे भी तो उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। ये भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है हमारी उसकी है।
जब ड्रग्स अवेलेबल हैं तो खरीद रहा है ना, एक चीज अगर अवेलेबल ही ना हो तो फिर कौन करेगा? तो इसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये, डर, गुनाह का डर है, गुनाह का डर खत्म हो गया। आप जब आप जुर्म करें उसका डर हो, जिस तरह गुनाह का डर बैठता है तो आप कहते हैं अच्छा मुआशरे में एक अच्छा इंसान एक मुसलमान बनता है। मुजरिम को भी तो डर हो सर, वो डर इसलिए खत्म हो गया ना क्योंकि पकड़े जाते हैं तो छूट जाते हैं, प्रोसिक्यूशन फिर पकड़े जाते हैं, प्रोसिक्यूशन वीक है, सजाएं सख्त नहीं है, प्रोसिक्यूशन वीक है। देखिए सजा अदालत पर डालना तो बहुत आसान है क्योंकि मैं भी सर वैसे इतने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं आपके खुद के कारकुनान आप, हाँ बिल्कुल वो भी मैंने देखा, प्रोसिक्यूशन वीक है, डेट्स पे आते नहीं है, आईओज आते नहीं है, प्रोसिक्यूटर्स आते नहीं है, केस कैसे चलेगा? जज घरों से जाके तो नहीं बुलाएंगे, अब तो जजेस ने शो कॉज करने शुरू किए, सस्पेंड करने शुरू किए, तो आगे नहीं। सर आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को या हुकूमत के हवाले से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, ऐसे कौन से इकदाम आते हैं जो आप समझते हैं कि? देखिए हुकूमतों से तो खैर मायूसी है, हुकूमत को क्या मैसेज दें, हुकूमत को तो रोज असेंबली में सूबाई को भी और विफाक को भी हम देते रहे, तो खैर नई हुकूमत है जिसके हम इत्तेहादी हैं, लेट्स सी कि हम आगे क्या कर पाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि खास तौर पर पूरे पाकिस्तान के हर शहरी को मुखलसाना मेरी राय है, मशवरा है, जिस पर पहले मैंने अमल करना शुरू किया है, मैं सबको कह रहा हूँ अपनी जात से वेलफेयर स्टार्ट कर दें। बस आप किसी को दो रोटी खिला सकते हैं तो दो रोटी खिला दें, अच्छा। कोई एक किताब दे सकते हैं किताब दे दें, कोई पेन दे सकता है पेन दे दें, वेलफेयर स्टार्ट करें। पाकिस्तान में मुखय्यर अज़रात की कमी नहीं है, अगर सिर्फ चंद लाख लोग ही इस मुल्क को संवारने का ठेका ले लें और अपनी जात से, तो मेरे ख्याल है बहुत सारी खुशहाली आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब आपके वक्त का। नाज़रीन उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।